व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से थ्योरम नंबर 10.8। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से इसको समझना। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के कोई भी एक आर्क ले लो। तो आर्क लेने का यहाँ पे आपके थ्री कंडीशन बन सकती है। हम तीन तरह से आर्क ले सकते हैं, माइनर आर्क ले सकते हैं, मेजर आर्क ले सकते हैं, और एक हम डायमीटर अगर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी डायमीटर के बनाने वाली दो पॉइंट अगर हम लेते हैं, तो आपके दोनों तरफ यानी माइनर और मेजर आर्क दोनों इक्वल ले सकते हैं, यानी दोनों की लेंथ आपकी इक्वल हो जाए। तो थ्री कंडीशन यहाँ बनेगी और तीनों ही यहाँ पे प्रूफ होगी। तो यहाँ पे देखो, अब इस स्टेटमेंट को समझो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो सबसे पहले मैं एक फिगर आपको बना के बताती हूँ जो मैं माइनर आर्क का बना रही हूँ। तो लेट कि मैंने यहाँ पे एक आर्क ले लिया पी क्यू, ये पी क्यू मैंने यहाँ पे एक ले लिया माइनर आर्क। तो ये मैंने जो रेड कलर से ड्रॉ किया, ये मेरी माइनर आर्क हो गई। अब इस माइनर आर्क से आपके दो तरह के एंगल बनाने, एक एंगल आपको बनाना है सेंटर पे और दूसरा एंगल बनाना है आपको ये जो मेजर आर्क आपकी बची हुई है, जो सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आर्क है उसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर कहीं पर भी आपको एक एंगल बनाना है। तो उन दोनों एंगल में जो रिलेशन है वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी। तो पहले देखो फिगर बना लेते हैं। तो ये हमने माइनर आर्क से एक सेंटर पे एंगल बना लिया और एक माइनर आर्क से हमने सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना दिया। तो अब यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है कि सेंटर पे जो एंगल आपका बन रहा है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ए पॉइंट दे देते हैं। तो सेंटर पे जो आपका ये एंगल बन रहा है इस माइनर आर्क से, वो डबल होगा इस एंगल से। यानी ये अगर एंगल 50 है तो ये 100 होगा, ये अगर आपका 80 है तो ये 160 होगा, इस तरह से अगर ये 40 है तो ये 80 होगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ प्रूव करके बतानी है कि पी ओ क्यू जो एंगल है वो इक्वल है टू ऑफ एंगल पी ए क्यू के। ओके, ये 50 है तो ये आपका 100, ठीक है। तो ये वाला एंगल, इस एंगल के हमें डबल प्रूव करके यहाँ पे बताना है। अब दो फिगर यहाँ पे और पॉसिबिलिटी बन सकती है, जब ये माइनर आर्क नहीं होके मेजर आर्क से आपका ये एंगल बने, और दूसरा यहाँ तीसरी कंडीशन आपकी ये हो जाएगी जब माइनर और मेजर आर्क दोनों इक्वल हो जाए, यानी सेमी सर्कल हो जाए। तो वो दोनों भी फिगर बना लेते हैं, फिर हम यहाँ प्रूफ लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे थ्री केस हो गए। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये हमने डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ये पी क्यू जो आपकी आर्क है वो इस पी क्यू आर्क के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे माइनर आर्क है, यहाँ मेजर और माइनर आर्क दोनों यहाँ पे इक्वल हो गई है। फिर थर्ड कंडीशन ये आपके जो एंगल है यानी जो आर्क है, ये मेजर आर्क से आपका ये एंगल बना हुआ है पी ओ क्यू, और माइनर और ये जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है उस पर आपका एंगल बना हुआ है ए। तो ये तीन कंडीशन हो गई। अब हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमने गिवन राइट कर लिया कि अ सर्कल जो कि जिसका कि सेंटर ओ है, फिर टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है कि ये तो आपका कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है कि जिसके हम प्रॉपर्टी लगा के और ये कुछ इसको यूज़ करके या कोई और फिगर इसको यूज़ करके हम यहाँ पर ये प्रूव करके बता दें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना है आपको यहाँ पर, कि ए को यहाँ ए ओ से ज्वाइन करना है। तो ए ओ क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि ओ से आपका सेंटर का ये सर्कमफ्रेंस को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसकी रेडियस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इस रेडियस का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक प्रोड्यूस कर लेते हैं। प्रोड्यूस हम इसलिए करें ताकि इन एंगल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को। तो अब ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, दो ट्राइंगल बन गए। तो ये दो ट्राइंगल बन गए, एक येलो है एक ग्रीन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल किस टाइप के हैं, स्केलन है, राइट एंगल है या आइसोसेलेस हैं। तो अगर मैं पी ओ ए ट्राइंगल की बात करती हूँ, यहाँ ओ पी इक्वल टू मेरा ओ ए हो जाएगा, क्योंकि ये एक सर्कल है और ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। तो रेडियस की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो मेरा ये येलो ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल मेरे यहाँ पे क्या हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इक्वल साइड से इससे रिलेटेड ये जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स, वो भी क्या इक्वल होते हैं। इस एंगल के अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल, और इस एंगल के अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और मुझे यहाँ पे इस एंगल और इन एंगल में, इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल में रिलेशन बनाना है। तो मैं इस ट्राइंगल से इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन बताऊंगी, इस ट्राइंगल से इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन बताऊंगी, फिर उनको ऐड करके हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसकी किसी भी एक साइड को मैंने प्रोड्यूस कर दिया, तो ये एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल, वो अपोजिट ट्राइंगल के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाता है। तो ये वाला एंगल जो है मेरा, वो इन दोनों एंगल के सम के हो जाएगा इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसकी जगह हम ये भी राइट कर सकते हैं। तो बस यही हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल
AOP. सबसे पहले हम ग्रीन वाला ट्रायंगल लेते हैं. ग्रीन वाले ट्रायंगल में यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों रेडियस इक्वल है, यानी कि दो साइड इस ट्रायंगल की इक्वल है. OA इक्वल टू OP. तो रीजन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर. ओके, फिर नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ पी है तो मेरा एंगल यहाँ पे 1 मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के. तो मैं यहाँ पे लिखूँ देयर फॉर एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2. तो रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, फिर हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो इस एंगल को मैं यहाँ पे एंगल 3 ले लेती हूँ. अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ नाउ इसी ट्राइंगल में एंगल 3 मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो मुझे सिर्फ एंगल 3 और एंगल 2 ही चाहिए, 1 नहीं चाहिए. तो मैं 1 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ, ये 1 जो है उसकी जगह 2 पुट कर देती हूँ. तो एंगल 3 इक्वल टू मेरा हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2. ये मैंने कहाँ से लिखा, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेती हूँ. तो ये मैंने लिखा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से. तो एंगल 3 मेरा इक्वल हो गया यहाँ पे 2 ऑफ एंगल 2 के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ. ठीक है, तो ये तो मैंने ग्रीन वाले ट्राइंगल के लिए प्रूफ किया. अब एज इट इज हम यहाँ पे येलो वाले ट्राइंगल के लिए प्रूफ कर देंगे कि ये एंगल सेम यहाँ पे, तो इसको भी हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं. तो ये हो गया 1 2 3 हमारा हो गया, ये एंगल 5 ले लिया, सॉरी 1 2 3, ये मैंने 4 ले लिया, ये मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, और ये एंगल मैंने 6 ले लिया. तो यहाँ पे भी सेम रिलेशन हम प्रूव कर देंगे कि एंगल 3 मेरा 2 ऑफ एंगल 5 के इक्वल है. तो यहाँ मैंने सेम एंगल यहाँ पे जो ट्राइंगल ए ओ क्यू है उसके लिए लिख दिया कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है. फिर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4 होगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से. तो मुझे यहाँ पे 6 और सिर्फ 5 में रिलेशन चाहिए, तो मैं 4 को यहाँ से हटा दूंगी. तो मैंने यहाँ पे 5 की जगह पे 4 की जगह पे मैंने यहाँ 5 पुट कर लिया. तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 5, यानी एंगल 6 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 5 हो गया. तो नाउ मुझे एंगल 3 प्लस एंगल 6 का रिलेशन चाहिए एंगल 2 प्लस एंगल 5 से. तो इन दोनों को ऐड कर ले, एंगल 3 को एंगल 6 से लेफ्ट को राइट से राइट को ऐड कर देंगे. तो जो हमें प्रूव करना है वो हमारा यहां पे हो जाएगा. तो एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 5, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 5. तो ये हो गया इक्वेशन 2 का लेफ्ट है आपका एंगल 3, तो एंगल 3 उसका लेफ्ट है आपका एंगल 6 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 5 हो गया. तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 आपका एंगल POQ हो गया. तो ये हो गया एंगल POQ इक्वल टू 2, हमने यहां से कॉमन ले लिया. तो एंगल 2 प्लस एंगल यहां 5 हो गया, और एंगल 2 प्लस 5 एंगल PAQ हो गया. तो एंगल POQ इक्वल टू 2 ऑफ एंगल PAQ हो गया. तो फर्स्ट पार्ट हमारे लिए यहाँ पे प्रूफ हो गया, जो हमारा केस फर्स्ट था कि PQ जब हमारी माइनर आर्क है. फिर सेकंड केस यहाँ पे हम लेंगे जब PQ हमारा क्या, एक सेमी सर्कल है, यानी कि दोनों आर्क आपकी माइनर आर्क मेजर आर्क दोनों इक्वल है. तो आपका जो केस सेकंड है जहाँ पे PQ आपका सेमी सर्कल हो गया, तो ये भी आप सेम एज इट इज आपका प्रूफ यहाँ पे हो सकता है, सेम हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं. नहीं तो हमने एक थ्योरम किया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी सर्कल में अगर डायमीटर है, ये जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो डायमीटर है, तो वो सर्कल के किसी भी पार्ट के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका 90 डिग्री होता है. जैसे ये आपका डायमीटर है, जैसे मैं यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल हो गया मेरा. तो सेमी सर्कल में अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, कि ये ट्राइंगल आपका इस सेमी सर्कल के पोर्शन पे होना चाहिए, नहीं कि इसके सर्कमफ्रेंस पे या पेरीमीटर पे ही होना चाहिए. तो आपका यहाँ पे जैसे इस तरह से अगर ये फिगर हो गया, ये आपका सेमी सर्कल है और ये ट्रायंगल आपका इस तरह से हो गया, तब ये 90 डिग्री नहीं होगा, इसके सर यहाँ पे इसको टच करना चाहिए. तो ये एंगल आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. तो ये एंगल आपका यहाँ होगा 180 डिग्री, और तो ये एंगल आपका यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री. नहीं तो इसका प्रूफ आप एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो कि हम केस सेकंड को भी सेम ऐसे ही प्रूफ करना है, केस थर्ड को भी हमें सेम ऐसे ही प्रूफ करना है. यहाँ पे आपके ये एंगल हो जाएंगे और ये एंगल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है. तो बट ये जो एंगल पी ओ क्यू जो यहाँ पे है हमारा, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि बड़ा वाला एंगल है इसमें. तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल करके लिखेंगे. तो केस सेकंड के लिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया कि जब पी क्यू सेमी सर्कल है, तो हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर, चाहे डायमीटर बनाए या फिर एक सेमी सर्कल का जो आपका एंगल बन रहा हो, एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री होता है. और यहाँ पे पी ओ क्यू आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल आपका 180 डिग्री होगा. फिर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरम आ जाए, इसमें से कोई भी आपका फिगर आ जाए, प्रूफ आपको यही लिखना है. फिर अगर आपका फिगर ये वाला आ जाता है तो सेम आपको प्रूफ करना है, बट पी ओ क्यू अब यहाँ पे आपका एंगल ना, आप यहां पे क्या लिखोगे, रिफ्लेक्स एंगल करके लिखोगे, क्योंकि वो बड़ा वाला एंगल है. तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई. अभी भी अगर आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.